तो हेलो फ्रेंड, आज का मंडे नाइट खत्म हो चुका है। उसके बाद हमको भाई लिटरली जॉनी गार्गानो का भाई रिटर्न देखने के लिए मिल चुका है। उसके बाद आपको बता दूँ बहुत सारे प्रोमो कट हुए, जैसे ड्रू मैकइंटायर का प्रोमो कट हुआ। उसके बाद भाई आप सभी को बता दूँ कि अपने कॉडी रोड्स का भी प्रोमो कट हुआ आज के मंडे नाइट रॉ पर। तो क्या 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 हुआ मंडे नाइट रॉ पर हम बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। तो सभी को सभी से पहले बता दूं आपको, कभी मोटी आंटी ने अटैक कर दिया भाई सेना बेसलर के ऊपर। सेना बेसलर के ऊपर अटैक कर दिया भाई। आपको बता दूं कि सेना बेसलर को ये रिंग में ले गए, रिंग में ले जाने के बाद उनको पीटने लगी। तभी वहाँ पर भाई अपने रकेल रोड्रिगल्स का रिटर्न हुआ और सेना बेसलर भाई आपको बचाने के लिए रकेल रोड्रिगल्स आ गई। रकेल रोड्रिगल्स के आने के बाद भाई वो भी दो दिन मार पाई, उसके बाद वो भी गिर पड़ी। उसके बाद हमको भाई मामी का रिटर्न देखने के लिए मिल चुका भाई। आपको बता दूँ कि दो हफ्ते बाद भाई आपको मामी का रिटर्न देखने के लिए मिल चुका है। उसके बाद बात बता दूँगा आपको भाई बैक स्टेट खड़े रेफरी वगैरह और सभी उनको छुड़ाने लगे। छुड़ाने के बाद आप सभी को बता दूँ ये सभी यहाँ से चले गए थे, बैक स्टेट इनको ले गए। पर भाई मामी वहीं रिंग में रह गए क्योंकि उनका प्रोमो कट होना था इसीलिए। तो मामी ने जजमेंट डे का प्रोमो कट किया। उसके बाद आपको बता दूँ कि डेमिन प्रीस्ट आकर के वो उनसे बोले कि भाई आप सभी ने मंडे नाइट रॉ पर तेरी वजह से मेरा बच्चा हार गया नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप बेल्ट। तो भाई आपको बता दूं कि अपने डोम डोम हैं जो कि अपने नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप बेल्ट हार चुके हैं एनएसटी की। उसके बाद डोम डोम आए, उनसे बोली कि वो मैं तुम्हें दोबारा मौका देना चाहती हूँ और तुम अपनी बेल्ट वापस ले लो, अगर नहीं ले पाए तो मुझको भूल जाना। तो भाई डोम डोम इस बात पर भाई बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं मामी के इस बात पर। आपको बता दूं कि मामी सीधी सीधी ये कहना चाहती थी कि मैं तुमको दोबारा मौका दे रही हूँ और तुम दोबारा से आ जाओ अपनी चैंपियनशिप बेल्ट के लेके। तभी वहाँ पर जेउसो का रिटर्न देखने के लिए मिलता है। रिटर्न देखकर भाई आपको बता दूँ कि वो जेउसो मामी को लाइन मारने लग जाते हैं कि भाई मैं तुमको बहुत मिस कर रहा था, तुम कहाँ चली गई थी, मंडे नाइट रॉ पर क्यों नहीं आई। तो वहाँ पर भाई डेमिन प्रीस्ट गुस्सा हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर डोम डोम बोलते हैं कि ये मेरा शिकार है, मैं इसका शिकार करूँगा। तो जेउसो को वो भाई बात उसको गलत सलत बोलने लग जाते हैं। बोलने के बाद आपको बता दूँ कि भाई डोम डोम अटैक कर देते हैं जेउसो के ऊपर और डेमिन प्रीस्ट उनको पीछे से पकड़ लेते हैं। तो पकड़ने के बाद आपको बता दूँ कि तभी वहाँ पर डोम डोम में ऐसा कुछ होता है गलत, तो वहाँ संधि बचाने के लिए आ जाते हैं धर्म के योद्धा जो कि भाई अपने धर्म की तरफ चलते हैं। तो भाई ये अपने जेउसो को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद वहाँ पर एडम पियर आ जाते हैं। एडम पियर बोलते हैं कि चलो ज़्यादा तुमको ज़्यादा खुजली हो रही है तो तुम चारों का मैच सेट कर देता हूँ। तो इस मैच का भाई सेट हो चुका है इनका टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए है जो कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियन सॉरी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियन है जो उनके लिए इनका फर्स्ट लाइन में मैच भाई अपना फिक्स हो चुका है। तो भाई ये मैच हो गया भाई बहुत अच्छा हो गया, इनका मैच फिक्स हो गया। तो उसके बाद बता दूँगा अपने अपना वाइकिंग रेडर्स ओटिस की टीम के साथ मैच हुआ अपना भाई गुंतर की टीम के इंपीरियम के साथ। भाई आपको बता दूंगा इस मैच में भाई अपने इंपीरियम वाले विन कर चुके हैं। उसके बाद अपने मोटू का चैंपियन मैच हुआ भाई एक पतले के साथ, भाई इसमें भी ये विन कर चुके हैं। पता नहीं मोटू के साथ भाई ये WWE क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनको ढंग से फुस नहीं दिया जा रहा है और ना ही इनको भाई ढंग से बताया जा रहा है कि भाई इनके साथ क्या करना है। WWE वाले कभी इनके साथ किसी की राइवलरी चला देते हैं, कभी किसी की। उसके बाद देखने को लिया हमको गुंतर और टोमांसो चापा का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। तो इस मैच में भाई साइनिंग होने के लिए यह बता दूं आपको कि ये अगले मंडे नाइट रॉ पर होने के लिए किया गया था। पर आपको बता दूं कि मंडे नाइट रॉ पर भाई अभी वो बोले टोमांसो चापा से गुंतर कि तुम जा खा पी ले और कुछ मजे ले ले, मैं तेरे को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूं और मेरे सामने दोबारा से मैच रीमैच के बारे में बताना क्योंकि मैं तुझे हरा दूंगा। तो टोमांसो चापा बोले कि मैं तेरे को अगले मंडे नाइट रॉ पर पूरी तरह से हरा दूंगा और तू मेरे से तू भी जानता नहीं है मेरे को। तो भाई इसमें अगर तुझे मैच ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं तो आज ही इस मैच को रेसल कर लेते हैं। तभी एमएल एम्पियर ने बोला कि अगर तुम दोनों को ज़्यादा खुश लिए तो इस मैच को आज ही के मेन इवेंट में डाल देते हैं और इस मेन इवेंट में इस मैच को रेसल करो आप दोनों जने। तभी वहाँ पर हम इन दोनों में बहस हुई और बहस होने के बाद इन पर अटैक कर दिया गया। अटैक करने के बाद आपको बता दूं कि अपने गुंतर के ऊपर भाई बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गुंतर टोमांसो चापा ने। और भाई आपको बता दूं कि सूट वूट उनका सब का फैशन का फैशन निकाल दिया टोमांसो चापा ने और अपने गुंतर भाई बहुत ज़्यादा वीक दिखाए गए इस जगह पर। तो आपको बता दूं इसका प्रोमो कट होने के बाद भाई बैक स्टेज अपनी मामी देखने के लिए मिली। मामी के पास जेडी था। जेडी को देखकर भाई अपने डेमिन प्रीस्ट गुस्सा हो गए। जेडी को देखकर बोले मामी ने बोला कि जेडी के पास एक प्लान है। तो मामी ने बोला कि जेडी के पास ये प्लान है कि अपने संधि महेश्वरी और मोटू पतलू और जेउसो के बारे में अभी इन दोनों में बनती नहीं है क्योंकि आप सभी को बताओ केविन ओवंस और जेउसो को पसंद नहीं करते हैं केविन ओवंस, तो इन दोनों में फूट डाल देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में भाई अपने नेता लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करके अपने फूट डलवाते हैं, इसी प्रकार से भाई आप सभी को बता दूं कि WWE में होने वाला है। उसके बाद आपको बता दूं कि वाइकिंग रेडर के और कोफी किंगस्टन न्यू डे की टीम में मैच हुआ। इसमें भाई कोफी किंगस्टन की न्यू डे टीम हार चुकी है वाइकिंग रेडर्स से। तो इस मैच में भाई दोनों रेसलरों का कचूमर बना दिया भाई अपने वाइकिंग रेडर्स ने उनके ऊपर कूद कर ऊपर से। तो इस मैच का भाई एवरेज सा रिजल्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद बता दूंगा आपको अपने सेथ फ्रीगन रोलेंस का भाई प्रोमो कट देखने के लिए मिला जो कि वो बोल रहे थे
मेरी बैक में इंजरी है, फिर भी मैं रेसल कर रहा हूँ। उसके बाद ये एम्पायर बोला कि तुम मेरी बैक में इंजरी है तो तुम मैच रेसल क्यों कर रहे हो, तुम अपने घर पे आराम करो। उसने बोला कि मैं ये कुछ नहीं कर रहा, अपने किसी के लिए नहीं कर रहा, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैच रेसल कर रहा हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अब WWE से बहुत प्यार करता हूँ, रेसलिंग से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बीवी जो कुछ भी है मेरी इस रेसलिंग की वजह से, मेरी बच्ची है उसकी इस रेसलिंग की वजह से। तो वो पूरा संदीप महेश्वरी की तरह अपना प्रोमोट कट करने लग गए। आपको बता दूंगा भाई, ये दूसरा संदीप महेश्वरी बन चुके हैं सेथ विगन रोलेंस। मुझको भाई ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि आप सभी को बता हुआ सेथ रोलेंस वही मक्कार और हामी मुझे वो पसंद था जो 2015 में था, जिसने शील्ड का ब्रेकअप कराया था। भाई वो सेथ रोलेंस मुझे चाहिए, मुझे बेबी फेस सेथ रोलेंस नहीं चाहिए। इसलिए आपको बता दूंगा इनको भाई प्रोमो बिल्कुल मुझे बकवास लग रहा था, क्योंकि आपको लगे या नहीं लगे मुझे नहीं पता। उसके बाद आपको बता दूं सिंसुके नाकामोरा का अपने वीडियो दिखाई दिया, उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ बेटा मेरे को रोक के दिखा। तो उसके बाद आपको संदीप महेश्वरी के भाई ऊपर अटैक करते हुए दिखे अपने सिंसुके नाकामोरा। उन्होंने भाई आपको बता दूं कि पूरी 15 की 15 चेयर भाई उनके ऊपर तोड़ दी थी। उसके बाद तोड़ देने के ऊपर वो आराम से बैठ गए थे भाई कुर्सी पर बैठकर उनसे मजा ले रहे थे। पूरी पूरे 15 कुर्सी तोड़ने के बाद आराम से मजे ले रहे थे। उसके बाद काउंट करने लगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप सभी को बता दूं कि 9 के गिनती के होने से पहले भाई अपने सेथ विगन रोलेंस खड़े हो गए थे, क्योंकि आपको बता दूं क्योंकि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच यही होता है कि जिसमें भाई रेसलर को खड़ा होना था 10 काउंट से पहले, अगर नहीं हुआ वो खड़ा तो भाई उसके बाद वो मैच हार जाता है। तो भाई इस मैच में 9 के बाद गिनने के बाद भाई ये खड़े हो गए थे अपने सेथ विगन रोलेंस, तब उन्होंने किंग साका मूव लगा दी। उसके बाद भाई वो दोबारा गिर पड़े, दोबारा गिरने के बाद वो दोबारा काउंट करने लग गए। पर आपको बता दूं कि इस बार अपने सेथ विगन रोलेंस नहीं उठ पाए और 9 की गिनती तक उनके गिनती बोल दी थी, पर उन्होंने अपनी चैंपियनशिप बेल्ट ली, WWE चैंपियनशिप बेल्ट उन्होंने ऊपर हवा में उड़ा दी। हवा में इसलिए उड़ा दी, उन्होंने बता दिया कि अब मैं चैंपियन बनने वाला हूँ, तू चैंपियन नहीं बनेगा। तो आप सभी को बता दूं भाई सिंसुके नाकामोरा का ये प्रोमो कटा और भाई ये फाइटिंग सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको लगा या नहीं लगा मुझे कोई पता नहीं है, पर मुझे भाई सेथ विगन रोलेंस का वही गद्दार वाला फेस चाहिए और वही अपना वो पुराना वाला सेथ विगन रोलेंस चाहिए जो आरामी था। उसके बाद बता दूंगा ये अपनी टॉगन टॉक्स भाई ये जीत चुकी हैं। उसके बाद इनका मैच होने वाला है टैगन टॉक्स नॉक्स का भाई अपने बैकी लेंच थे। भाई आपको बता दूँ बैकी लेंच के कुछ इंजर्ड हो गई थी इसलिए वो आज मंडे नाइट रॉ पर नहीं आ पाई थी। उसके बाद आपको बता दूँ कि ड्रू मैकइंटायर का हमको प्रोमो कट देखने के लिए मिला। उन्होंने बोला कि जो कुछ भी हो रहा है WWE में सही नहीं हो रहा है मेरे साथ और मुझे कुछ नहीं पता है क्या होने क्या करना है मुझे क्या नहीं करना है। तो आपको बता दूँ भाई ड्रू मैकइंटायर ने बोला कि मैं कुछ ना कुछ बहुत कर्रा करने वाला हूँ और मैं अपना हील करेक्टर लेने वाला हूँ। उसके बाद आपको बता दूँ मिज का भाई अपने देखने के लिए मिला एंट्रेंस सॉन्ग बजने के बाद। भाई आपको बता दूं फास्ट लाइन में इनका मैच भाई फिक्स हो सकता है, क्योंकि आपको बता दूं मिज को बोले कि तू कुछ नहीं है मेरे सामने और मैं तेरे को कुछ भी कभी भी तेरे को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, ऐसा कुछ बोलने लगे मिज के बारे में। बोलने के बाद भाई ड्रू मैकइंटायर बोलेगा आज तेरे को ही देखता हूं, तेरे से मैच करना है मुझे। तो मिज बोले अपने क्या मैं तेरे से मैच रेसल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी सूट वूट में हूं इसलिए मैं तेरे से मैच रेसल नहीं करूंगा। इसलिए भाई आपको बता दूं मिज वहां से जाने लगे, जाकर के भाई वो ड्रू मैकइंटायर के अटैक कर दिया ड्रू मैकइंटायर के ऊपर। ड्रू मैकइंटायर के अटैक करने के बाद भाई आपको बता दूं कि ड्रू मैकइंटायर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया मिज ने। मिज के डिस्ट्रॉय करने के बाद भाई आपको बता दूं ड्रू मैकइंटायर ने लिटरली तलवार निकाल ली। तलवार लगाने के बाद अपने रेफरी बोले कि भाई हाथ पांव जोड़ने लगे कि भाई ये तलवार वरवाल नहीं लेके आओ। और भाई तभी उन्होंने अपने जो है ना रेफरी के साथ आंख बचाकर उन्होंने रोप पर से अपना गद्दा उठा दिया। गद्दा उठाने के बाद भाई मिज का सिर फाड़ दिया, खून निकाल दिया और इस मैच में मिज निकल कर लिया। जिस प्रकार से भाई कोडी रोड्स ने सिर फाड़ दिया था ब्रॉक लेसनर का, उसी प्रकार से उन्होंने कुछ किया है अपने। और उसके बाद हमें अपने संदीप महेश्वरी देखने के लिए मिले, उनका जो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, छोटे छोटे भाषण कर दे बड़े भाषण देके छोटा सोल्यूशन देने लगे, तो उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको बता दूं तो मानसो चांपा और अपने गुंतर का मैच हुआ मेन इवेंट में। यह मैच भाई इतना खतरनाक था, क्योंकि आपको बता दूं कि रोमन रेंस से भी भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक एडवांस मैच था ये, क्योंकि आपको बता दूं रोमन रेंस शुरू में स्टार्टिंग में मैच रेसल करते हैं तो धीरे धीरे फाइट नहीं करते हैं, वो वैसे घूमते रहते हैं टाइम बिताते हैं। उसके बाद लेट इस मैच में तो भाई शुरू से ही फाइट होने लगे, तभी मानसो चांपा अपनी फिनिशर मूव लगाते, कभी गुंतर अपने चौंप लगा दे। तो आपको बता दूं भाई ये मैच भाई बहुत ही बहुत खतरनाक मैच था और मैं खुद बोलूंगा आपसे कि इस मैच को आपको जरूर देखना चाहिए, इसलिए मैंने बोलूंगा कि उसके बाद एंड में जाकर भाई 30 मिनट तक चलने के बाद इस मैच में भाई अपने गुंतर ने लॉक में फंसा कर भाई टोमासो चांपा पर पिन करवा लिया था और अपने टाइटल रिटेन कर लिया था। भाई भाई ये मैच इतना खतरनाक था कि गुंतर के भाई नाक में से खून निकलने लग गया। आज सोच लो टोमासो चांपा ने अपना कितना 100% दिया, तो भाई आप सभी सुन लो कि भाई टोमासो चांपा ने आज तो कमाल कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा बुक नहीं किया जाता, आज बुक किया तो उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। उसके बाद अपने इंपीरियन के दो मुस्टंडे आए और मुस्टंडे भाई अटैक करने पर ले गए। उसके बाद अपने जॉनी गार्गानो को रिटर्न हुआ और जॉनी गार्गानो के रिटर्न को करके बाद उन्होंने गुंतर पर अटैक करना चालू कर दिया और इंपीरियम के दोनों मुस्टंडे भगा दिए वहाँ से। और भगाने के बाद अपने भाई अपने तुमासो चांपा को
सेव कर लिया। और आपको बता दूँ जॉनी गार्गानो को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूंगा आपको।